हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बूटी माफिया सरगर्म है, रोकथाम के लिए क्या आपकी जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए? बीआईसी लारकाना की तरफ से बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं। एज अ चेयरमैन मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जो है 30 विजिलेंस टीमें भी कंस्टिट्यूट की हैं। उनकी जिम्मेदारी यही है कि ये सारे जाके इंतजाम भी चेक करें और कापी को रोकने के लिए उनके पास पावर्स हैं। वो हर सेंटर को विजिट करते हैं और डेली के बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करते हैं और इसको हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी भेजते हैं। मसला ये है कि इसके हल के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हम कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमें एकेडमिक साइड को भी देखना पड़ेगा। चीटिंग असल में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हल करने के लिए शॉर्ट टर्म हमें होते हैं स्टेप्स लेने, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में यही है कि हम स्टेप्स लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल आउटसाइडर को इन होने की हम रोकते हैं। उसके बाद विजिलेंस टीम है, एक्सटर्नल इंटरनल को हम अपॉइंट करते हैं, उसको यही इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है इसको साफ और शफाफ बनाएं।